हेलो एवरीवन, आज 2018 का बजट आ गया है। जहां कुछ क्षेत्रों में किसानों को राहत मिली है, वहीं कई निराशा हाथ लगी है। सरकार के इस बजट से लोगों को टैक्स स्लैब में छूट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन अरुण जेटली ने लोगों की उम्मीदों को निराश करते हुए स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। इससे नौकरी पेशा आयकर दाताओं को बड़ी निराशा हाथ लगी है। अब 250 करोड़ टन ओवर कंपनियों को 25% टैक्स देना होगा। सरकार ने स्टैंडर्ड डिटेक्शन की शुरुआत की। 40,000 रुपये तक मिलेगा स्टैंडर्ड डिटेक्शन। इसका मतलब जितनी सैलरी है उसमें 40,000 घटकर टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट ने डिपॉजिट में भी छूट का ऐलान किया है। 10,000 की जगह अब 50,000 तक डिपॉजिट कर सकते हैं। जहां गवर्नमेंट ने आम मिडिल क्लास को निराशा दी है टैक्स के बारे में, वहीं बुजुर्गों को RD और FD ब्याज पर टैक्स कर दिया है। ज्यादातर किसानों, गरीब वर्ग, स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दिया गया है। कस्टम ड्यूटी बढ़ने से विदेशी वस्तुओं जैसे कि लैपटॉप, टीवी और मोबाइल के दामों में बढ़ोतरी हो गई है। उम्मीद यही थी कि आम आदमी को इस बजट से राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब